अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुरग चने। मुरग चने बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाही के अंदर ऑयल डाल के रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम ये ज़ीरा डालेंगे। ये देखें, ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा। और साथ ही ये पिसा हुआ प्याज डालेंगे। इसको मैंने प्याज को छील के इसको मैंने चॉपर में डाल के बारीक पीस लिया। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखें, प्याज हमारा तकरीबन हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखें, चिकन को मैंने प्याज और लहसुन के अंदर डाल के फ्राई किया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम मसाले डालते हैं। मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, काला नमक और रेगुलर सफ़ेद नमक। अब ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा चिकन पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना और इसकी भुनाई करनी है। मसालों की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद साथ ही इसके अंदर हम ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही थोड़ा सा ये दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं इसे कवर करके रखूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। देखते हैं चिकन हमारा तैयार हो चुका है कि नहीं। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। मैं इसके अंदर एक चम्मच पिसा हुआ अदरक का डाल रही हूँ। इस स्टेज पे आके अदरक डालना है। इस तरह डालने से अदरक की खुशबू जो है वो बरकरार रहती है। अगर हम पहले डाल दें तो अदरक की बिल्कुल खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें, अब मैं ऊपर से जो घी है ये ऐसे निकाल लूँगी। जब हम चने डालेंगे तो उसके बाद फिर ऊपर से डालेंगे। अगर घी ना उतारें तो ये सारा चनों के अंदर मिक्स हो जाता है। ये मैंने चने लिए थे, इनको मैंने साफ़ पानी में बॉईल कर लिया। इस तरह गले होने चाहिए। ये मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल किए हैं। इसमें मैंने बेकिंग सोडा या दूसरा सोडा बिल्कुल भी नहीं डाला। गोश्त भूनने के बाद अब इसमें मैंने ये चने डाल दिए। अब हम इनकी भुनाई करेंगे। चने डालने के बाद मैंने अच्छी तरह इन्हें भूनना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये बिल्कुल आधा कप पानी। आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। जितना, अगर आप चने थोड़े गाढ़े खाना पसंद करती हैं तो पानी कम डाल लें, अगर ज़्यादा पतले खाना पसंद करती हैं तो ज़्यादा डालें। अब हम इसके अंदर एक चम्मच ये गर्म मसाले का डालेंगे और साथ ही ये सूखी मेथी बस ऐसे करके डाल देंगे। और ये जो मैंने घी उतारा था ये भी ऐसे ऊपर डाल देंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और ये साबुत ऐसे डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है और ये अदरक लंबा लंबा काट के ये भी मैंने डाल दिया। तो लीजिए, हमारे मुरग चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। ये बहुत ही लजीज चने बने हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं। आप भी ट्राई करें, आपको पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं इससे भी बेहतर रेसिपी देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।